आज के अवसर पर मैं कुछ घोषणाएं भी करने जा रहा हूं। संस्कृति, सुरक्षा, कृषि और सुगमता आदि प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा करता हूं। पहला छत्तीसगढ़ी अन्य बोली जैसे गोंडी, हल्की, सरगुजिया, कुरु आदि के में लिखे गए साहित्य के लिए, दूसरा हिंदी में लिखे गए पद्य के लिए, तीसरा हिंदी में लिखे गए गद्य के लिए दिया जाएगा। हर श्रेणी में सम्मानित साहित्यकारों को 5 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अस्मिता बनाए रखने हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती खेलों में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किए जाने की घोषणा करता हूँ। यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। चौथा, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए मैं घोषणा करता हूँ छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा दिया जाएगा। पांचवा, छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुक्कुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मैं छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्यिक दर के स्थान पर रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। छठवा, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, 11वीं 12वीं विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहतर रूप से तैयारी कर सके, इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था स्थापित कराने जा रहे हैं। इसके लिए हर विकास मुख्यालय में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया है। शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ हमारे मेहनत कर निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपए करने तथा मेहनत मेहमानों को प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूँ। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रतिमाह वृद्धि करने की घोषणा करता हूँ। आदरणीय साथियों, भाइयों और बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के गणतंत्र दिवस 2024 के बीच बहुत छोटा सा कालखंड है, लेकिन मैं इस बार फिर कहना चाहता हूँ 26 जनवरी 2024 को हमें 75वां गणतंत्र दिवस बहुत गौरवशाली ढंग से मनाना है। आजादी के लिए हमारे पूर्वों ने जो कुर्बानियां दी, सेना के जवानों और तमाम सुरक्षा बलों ने देश की एकता और अखंडता को बचाए रखने में जितने कष्ट सहन किए हैं, हमारे महान नेताओं ने जिस तरह देश को एकजुट बनाए रखने के लिए संघर्ष किए, उन्हें याद रखना है। नए जोश, खरोश और समर्पण के साथ हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करना है। छत्तीसगढ़ के विकास को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए अभी हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है आप सबका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उसी प्रकार से प्रदेश के सभी जिलों में कम से कम एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं के अध्ययन की सुविधा
उपलब्ध कराने का निर्णय हमने लिया है। इसी क्रम में नवनिर्मित जिला सारंगढ़ विजयगढ़ मुख्यालय में संचालित शासकीय गौतम प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय में संचालित डॉक्टर भवन सिंह पोर्टे महाविद्यालय पेंड्रा, जिला शक्ति मुख्यालय में संचालित क्रांति कुमार भारती महाविद्यालय शक्ति, जिला मौला मानपुर अम्बागढ़ चौकी में संचालित शासकीय एनसीएस महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी को स्नातकोत्तर विद्यालय का दर्जा प्रदान करने की घोषणा करता हूँ। इसके लिए आवश्यक नवीन विषय पद संरचना इन महाविद्यालयों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। आठवा नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में आधुनिक प्रौद्योगिकी की भूमिका को देखते हुए हम अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, जिससे हमारे बच्चे भविष्य के तकनीकी के लिए अभी से तैयारी हो कर सकें और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने के योग्य बन सके। नौवां, मैं घोषणा करता हूँ शासकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आने जाने के लिए बस के माध्यम से निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दसवां, छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से। आज मैं घोषणा करता हूँ अगले शिक्षा सत्र से राज्य के निजी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ भाषा छत्तीसगढ़ी भाषा के आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ स्थानीय बोली को कक्षा एक से पाँच तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ग्यारहवा, शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में 20% वृद्धि की घोषणा करता हूँ। दाई दीदी मन संगवारी और मोनी बाबू मल्ला युवाजी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई जय जवाहर। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं।